पैगंबर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के बयान की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले में ओआईसी के सचिवालय के बयानों पर दो टूक कहा कि उसका एजेंडा विभाजनकारी है। नुपुर शर्मा के बयान के बहाने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की पाकिस्तान की साजिश पर विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने के बेबुनियाद आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाले किसी दूसरे देश के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बयानबाजी कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों समेत अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न की गवाह है। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, जबकि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को सराहा जाता है और उनके सम्मान में स्मारक बनाए जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी के बयान पर भी एतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये विवादित बयान भारत सरकार की राय से संबद्ध नहीं है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित संगठन ने कड़ी कार्रवाई की है। ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर प्रेरित, गुमराह करने वाली और शरारती टिप्पणी की। ये दुखद है। हम ओआईसी सचिवालय से सांप्रदायिक नजरिया छोड़ने और सभी धर्मों का सम्मान करने की अपील करते हैं।